येरोमन अन्यंगाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको BTS के होने वाले इंडियन कॉन्सर्ट के बारे में बताया था कि जुलाई के बाद कभी भी BTS अपने वर्ल्ड टूर की अनाउंसमेंट कर सकते हैं, जिसके बाद आप सभी के मैसेज आए कि ओनी BTS कॉन्सर्ट की टिकट प्राइस क्या होगी, और उसमें भी ज्यादातर मैसेज यही थे कि हम तो BTS कॉन्सर्ट की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि BTS कॉन्सर्ट तो काफी कॉस्टली होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी बारे में बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे BTS की कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अभी तक जितने भी प्रीवियस इंडियन कॉन्सर्ट हुए हैं उन पर नजर डालें तो उनके प्राइस काफी हाई रही है, जिसमें जस्टिन बीबर, एड शीरन और कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट की प्राइस तो इतनी हाई थी कि इन कॉन्सर्ट्स में सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और रिच पीपल ही नजर आए, यानी आप और मेरी तरह एवरेज ऑडियंस ना के बराबर थी। वहीं अगर प्राइस की बात करें तो इन कॉन्सर्ट्स की प्राइस 75,000 के अराउंड थी, जो कि किसी भी एवरेज ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा है। अगर BTS कॉन्सर्ट के टिकट प्राइस की बात करें तो सियोल में ये टिकट प्राइस 5,000 के अराउंड होती है, जो कि VIP मेंबर्स के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं BTS के ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स की प्राइस 4,000 के अराउंड होती है। हालांकि इस बार जस्टिन बीबर के होने जा रहे कॉन्सर्ट की टिकट प्राइस 4,000 के अराउंड रखी गई है। वहीं अभी हो चुके IPL मैच की बात करें तो उसकी भी मोदी स्टेडियम में प्राइस 4,000 रखी गई थी, जिसका रीजन मोदी स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा गैदरिंग थी, यानी जितनी ज्यादा टिकट सोल्ड होंगी उतनी ही प्राइस कम होगी। तो इस बात से हम आइडिया लगा सकते हैं कि BTS कॉन्सर्ट इंडिया में होता है तो उसकी एवरेज प्राइस 7,000 से स्टार्ट होकर 60,000 के अराउंड जा सकती है। हालांकि BTS कॉन्सर्ट की प्राइस इससे कम हो पाना मुश्किल ही लगता है, क्योंकि मार्च में BTS की PVR कॉन्सर्ट की प्राइस ही 1500 रुपीज के अराउंड थी, और ये तो हम सभी जानते ही हैं कि BTS कॉन्सर्ट दुनिया के कुछ सबसे बड़े कॉन्सर्ट्स में से एक है, जिसका कुछ टाइम पहले तक इंडिया में हो पाना ही मुश्किल लगता था। लेकिन हमारी इंडियन BTS आर्मी ने ये कमाल कर दिखाया, और अब BTS के इंडिया आने के 90% चांसेस बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी होने वाले इस कॉन्सर्ट के टिकट के लिए आपको अभी से मनी सेव करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हम सभी पांगतन बॉयज को लाइव देखने के लिए 7,000 की टिकट तो अफोर्ड कर ही लेंगे। हालांकि अभी भी मेरे काफी टीनेजर्स दोस्त ऐसे होंगे जो इस टिकट प्राइस को जानने के बाद लो फील कर रहे होंगे। तो आप सभी से आपकी ओनली यही कहेगी कि होप रखिए और मनी सेव करते रहिए, और देखिएगा आप भी BTS कॉन्सर्ट अटेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड द मेतो बायो।